बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं सऊदी अरबिया से लाइव हूँ आपके साथ। मैं एक भाई का कमेंट भी पढ़ रहा था और इसके मतलब कि यार मैं खुद से भी सोच रहा था आपके साथ एक वीडियो थोड़ी डिटेल के साथ शेयर कर दूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में मैं आपके साथ कुछ ऐसी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जिसको भाई आपको सुनने के बाद इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मैं लाइव आपको सबूत प्रूफ के साथ दिखाऊँगा, बहुत से भाइयों के मसाइल हल होंगे उसको देखते हुए इंशाल्लाह ताला ज़रूर। मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ इस किसी काम के सिलसिले में, यानी कि मैं गसर सलाम जो जद्दा कॉर्नर्स के ऊपर गसर है जी समुंदर के अंदर, वहाँ पर हूँ। अभी वहाँ पर रहता हूँ रात 10-11 बजे तक, सुबह फर्स्ट टाइम जाता हूँ किसी काम के सिलसिले में। ज़ाहिर सी बात है रोज़ी रोटी इंसान ने कमानी होती है, तो बात यह है कि वहाँ पर अलाउड नहीं है जी मोबाइल वगैरह, तो इसलिए मैं ये वीडियो में आपको यार ये बता रहा हूँ, ये बात लंबी होती जाएगी। बात क्या है भाई का कमेंट क्या था, बात यह है कि अगर इकामा एक्सपायर है तो हम क्या खरूज नहाई जा सकते हैं। पहले आपको ये बता दूँ, खरूज नहाई भाई उस टाइम लगता है जब आपका इकामा हो। आपको 2 माह का टाइम दिया जाता है, 2 माह के अंदर आपने सऊदी अरेबिया से निकलना होता है, ठीक है जी। खरूज नहाई उस टाइम नहीं लगता है जब आपका इकामा ख़त्म हो चुका हो। खरूज नहाई के लिए इकामा वैलिड होना लाजम है। लेकिन अभी होगा, अभी है क्या, अगर आपके इकामा एक्सपायर हैं तो आप खरूज नहाई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इसका हल भी है, हरूब वाले बंदे मतलूब वाले बंदे नहीं जा सकते, मैं आपको क्लियर कर दूँ यहीं पर। इकामा एक्सपायर है, आप सफारा में चले जाएंगे, बशर्ते कि आपकी कंपनी रेड अहमर होनी चाहिए। वहाँ पर आपका पेपर जमा होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि ये बंदा खरूज नहाई जाना चाहता है अपने कफील के थ्रू, और इसका कफील इसके इकामे नहीं लगा रखा है। सफारा वो वहाँ पर बैठे हुए जो बाहर मंदूब वगैरह हैं वो लिख देते हैं, 5-10 रियाल ले लेते हैं। आपका इकामा नंबर आपसे साइन अंगूठा वगैरह लगवा लेते हैं। नीचे एक आपकी कंपनी का पेपर निकाला जाता है मकतबे अमल की वेबसाइट खोलकर, जिसमें लिखा होता है अहमर, ये कंपनी रेड है, ठीक है। उसके बाद पेपर आपका जमा कर दीजिए। सफारा में मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से खरूज लगते हैं जी। जब तक लिस्ट लंबी है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मक्का वगैरह ताइफ वगैरह या किसी और छोटे मोटे आप सिटी से आते हैं, गाँव से आते हैं, तो उन बंदों का भाई खरूज 1 महीने में भी लग जाता है। ये है तो बात यह है कि अगर आप किसी दूसरी सिटी से आते हैं तो आपका खरूज 1 माह में भी लग सकता है। जद्दा के हैं तो लिस्ट लंबी है, थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लग सकता है। इकामा एक्सपायर आप खरूज नहाई जा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कंपनी रेड हो। वो भाई सारा पेपर जमा कर लेता है, वो मकतबे अमल में जाते हैं, मकतबे अमल आपके कफील को मैसेज करता है, वहां पर कुछ दिन मैसेज पड़ा रहता है, उसके बाद मकतबे अमल आपके इकामे लगाकर आपका खरूज नहाई लगाता है और आपके कफील के अकाउंट में पैसे डालता है, ठीक है। इकामा एक्सपायर वालों का भी खरूज नहाई लग सकता है, यानी कि वो न्यू वीजा के तौर पर सऊदी अरेबिया में दोबारा फिर से आ भी सकते हैं।